एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आई एम सिमरन सहानी तो आज की जो वीडियो है ये एक टाइम टेबल वीडियो है जो क्लास नाइन टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ हर स्टूडेंट के लिए एक मोस्ट सूटेबल टाइम टेबल बन जाएगा देखो गाइस आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने इस लिमिटेड टाइम को ऐसे मैनेज करोगे कि वो जो इनडिसिप्लिन हमारी लाइफ में चल रहा है उससे आप एक डिसिप्लिन चाइल्ड बन जाओ आपका जो है आप एक डिसिप्लिन में आ जाओ और आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस समय पे जो है अपने सेल्फ स्टडी को टाइम देना वो सेल्फ स्टडी को टाइम मिलना शुरू हो जाए आपकी तरफ से ठीक है तो सारे के सारे स्टूडेंट चाहे आप नाइन्थ में हो चाहे आप टेंथ में हो चाहे इलेवन्थ में हो ट्वेल्थ में हो हम सबको अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि भाई सेल्फ स्टडी होनी चाहिए तभी तो सिलेबस कंप्लीट होगा तभी चैप्टर्स वगैरह कंप्लीट होंगे तो आज का टाइम टेबल फॉलो करना के के तो। तो शेड्यूल को फॉलो कर लेना ये जो चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर जो आपका टाइम वेस्ट होता रहता है मैं गारंटी के साथ कह रही हूं भाई तुम्हारे डिसिप्लिन में ले आएगा ये टाइम टेबल मैं इस टाइम टेबल को सिंपल एक वर्ड दे रही हूँ एक बेस्ट टाइम टेबल रहेगा आप लोगों के लिए जो आप आसानी से कोई भी स्टूडेंट इसको फॉलो कर सकता है मैं कोई इस पर स्टार्स और लाइट्स लगा के ऐसा आप लोगों को नहीं बता रही हूं बड़ा शोशा करके कि भाई हाँ बड़ी अलग सी चीज़ है ये नहीं बचपन से जैसे चलता आ रहा है एक सिंपल सा टाइम टेबल इस समय पर हमारे लिए नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ में आके ना फॉलो करना थोड़ा जरूरी हो जाता है क्यों देखो यूकेजी तक हम कोई टाइम टेबल वगैरह फॉलो नहीं करते थे स्कूल में भी जैसे हम फर्स्ट क्लास में आते हैं थोड़े बड़े बच्चे हो गए ठीक है फर्स्ट से लेकर अभी ट्वेल्थ तक हमारे स्कूल में भी हर समय टाइम टेबल चलता रहता है ठीक है स्कूल का टाइम टेबल क्या होता है भैया एक पीरियड है सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड है फोर्थ पीरियड है हर पीरियड पे बेल बज जाती है अगली वाली मैम आ जाती है पढ़ाने के लिए स्कूल का समय जो होता है उसी समय स्कूल लगता है उसी समय स्कूल की छुट्टी होती है प्रॉपर टाइम टेबल आप लोगों की लाइफ में चल रहा होता है तो वही चीज आप लोगों को अपने सेल्फ स्टडी के लिए फॉलो करनी है जिससे जो जितना भी मैं क्या कह रही हूँ इनडिसिप्लिन जो क्रिएट हो चुका है जिसकी वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे उसे हमें हटाना है और हमें डिसिप्लिन लेकर आना और डिसिप्लिन में आना जरूरी भी क्यों है देखो अपना बहुत लिमिटेड टाइम बच गया है ये टाइम ना बहुत ही ज्यादा आप लोगों के सामने ये देखो

बहुत ज़्यादा ना लिमिटेड टाइम है हमारे पास में क्यों अभी क्या है तीन चार पाँच महीने होंगे आपके और आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले होंगे जब आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले होंगे उससे तीन महीने का टाइम टेबल अलग होगा वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है समझे जब आपके बोर्ड एग्जाम में तीन महीने बचे होंगे ना समझ लो नवंबर से दिसंबर से वहाँ पर यह टाइम टेबल नहीं चलेगा वहाँ पर एक बिल्कुल अलग टाइम टेबल चलते हैं वहाँ आप लोग स्कूल की छुट्टी भी ज़्यादा मारते हो ठीक है स्कूल से आपको छुट्टियाँ मिल भी जाती है पढ़ने के लिए और उस समय पर आप लोगों को क्या सोचना होता है कि ठीक है भाई इतनी देर में अपना मैथ्स कंप्लीट करूँगा इतनी देर में इंग्लिश कंप्लीट करूंगा इतनी देर में हिंदी उस समय हम अपने आप ही पढ़ रहे होते हैं हमें पता होता है भाई एक महीने बाद दो महीने बाद पेपर है तो सीरियसनेस लेवल बढ़ जाता है पढ़ रहे होते हैं बट वहां मैनेजमेंट किसकी चीज होती है भाई इतनी देर इंग्लिश पढ़ूंगा इतनी देर साइंस पढ़ूंगा इतनी देर मैथ्स पढ़ूंगा ऐसा बट अभी क्या सिस्टम चल रहा है हमारा अभी तो हम पढ़ने ही नहीं बैठ रहे हैं अभी तो हम पढ़ाई करने जाते ही नहीं है एक एक दो दो दिन निकल जाता है हम पढ़ते नहीं है तो अभी क्या करना है हमें अभी हमने अपनी हैबिट बनानी है क्वालिटी सेल्फ स्टडी करने की चाहे हम दिन में चार घंटे पढ़ेंगे अभी बट ऐसे पढ़ेंगे कि उस चार घंटे में हम अपना चार सिलेबस कंप्लीट कर चुके हों जो चैप्टर हमने पढ़ा हो ना वो फुल ऑन कंप्लीट हो जाए ऐसे आपको पढ़ना है आगे तीन महीने बाद का टाइम टेबल आप देखना इससे बिल्कुल डिफरेंट होगा यहाँ अगर चार साढ़े घंटे पढ़ोगे तो वहाँ आठ घंटे की पढ़ाई होगी वो भी बहुत बढ़िया से बिना बर्डन के ठीक है तो इस ट्रांजेक्शन में जाना है अगर आपको कि हाँ भाई मैं और बढ़िया से पढ़ाई करूंगा तो उसके लिए अभी ये जो लेवल है ना ये वाला शेड्यूल इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो आप लोगों को जो है मैं आज बहुत सिंपल वे में समझाऊंगी कि कैसे आप लोग अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो कैसे एक क्वालिटी सेल्फ स्टडी टाइम लेकर आ सकते हो देखो आप कितने ही ट्यूशन्स पढ़ लें ठीक है आप कितने बा, कितने बजे देर भी अगर आप स्कूल में रह रहे हो ठीक है आपने फिर किसी ऐप वो जो होते हैं उससे पैक से सब्सक्रिप्शन लेके आप पढ़े हो आप यूट्यूब पर अपने फेवरेट टीचर से पढ़े हो जब तक आप पढ़ने के बाद घर बैठ के सेल्फ स्टडी नहीं करोगे उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है ठीक है आपको पूरे दिन में समय चाहिए कि जब आप जो ट्यूशन में पढ़ के आए हो भाई ठीक है जो स्कूल में पढ़ के आए हो जो आपने ब्यूट्यूब वाले टीचर से पढ़ा है जो आपने ऐप वाले अपने टीचर से पढ़ा है आके रिकॉल तो करो आके प्रैक्टिस तो करो तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है सेल स्टडी तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इतने लिमिटेड टाइम में पूरा दिन कैसे निकल जाता है ना हम स्टूडेंट्स का पता ही नहीं चलता है सुबह स्कूल गए थे घर आते थोड़ी देर थक जाते हैं ठीक है फिर सोचते हैं अरे यार चलो थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे फिर पता नहीं चलता कब डिनर का टाइम हो जाता है एक आध घंटा फिर डिनर देखते हुए टीवी देखते हैं स्क्रोलिंग ओरिंग करते हैं रात हो जाती है पता ही नहीं चलता समय कैसे हमारा पूरा बर्बाद हो जाता है तो अगर इस समय की बर्बादी को आपको एंड करना है तो इस इस समय में आप पढ़ना शुरू कर दीजिए एंड आपको इक्वालिटी सेल्फ स्टडी टाइम मिलेगा जहाँ से आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा वो मेरी गारंटी रहेगी ठीक है तो अभी आपको मैं बता देती हूँ कि कब से कब तक ये टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है देखो ये टाइम टेबल ना सिर्फ मंडे से फ्राइडे तक रहने वाला है क्योंकि सैटरडे और संडे को तो अलग ही जोन में पढ़ाई होने वाली है तो वो सैटरडे और संडे का टाइम टेबल तो अलग ही रहेगा वीकेंड वाला उसके लिए मैं फिर अलग वीडियो बना दूंगी बट अभी है ये मंडे टू फ्राइडे तक का टाइम टेबल और ये विद स्कूल वाले बच्चों का टाइम टेबल है मेरे को सारे भाई बहन ऐसे जिन्होंने डमी ले रखा है ठीक है दे आर डूइंग प्राइवेट ठीक है वो घर पे होते हैं तो उनके लिए ये नहीं है जो बच्चे जो है जिन स्कूल नहीं जा रहे हैं आजकल उनके लिए नहीं है ये टाइम टेबल और इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर वो बच्चे जो चाहते हैं कि आप लोग जैसे स्कूल के जिस दिन छुट्टी मारते हो तो उस दिन इसे मत फॉलो करना उस दिन अलग टाइम टेबल रहेगा अगर आपने डमी एडमिशन ले रखा है उस दिन का भी टाइम टेबल ये नहीं है तो इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक वीडियो ऑन दैट तो मुझे आप बता देना इन दो कॉमेंट सेक्शन ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए जो स्कूल भी जा रहे हैं जो ट्यूशन्स भी जा रहे हैं और पूरा दिन उनका कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता और वो पढ़ाई का समय नहीं निकाल पा रहे हैं और पढ़ाई का समय ही नहीं मिल रहे है तो आप लोगों का सिलेबस बहुत ज़्यादा है और आपको अब टेंशन हो गया हाफ आ गया अभी प्री बोर्ड आ गए तो उस टेंशन का हल है मेरे पास बस आपको इसको फॉलो करना है अब फॉलो करने के लिए क्या करना है आपको तो जिन स्टूडेंट्स मुझे चाहते हैं कि विदाउट स्कूल टाइम टेबल में बताऊं आपको तो एक बार मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना ठीक है तो अभी इस टाइम टेबल को एक पेपर पे लिख लेना है ठीक है एग्जैक्टली exactly. मैंने क्या कहा है गाइज़ अब टाइम है डिसिप्लिन में आने का तो भाई एक पेपर पे आपको जैसे देखो मैंने खुद लिखा है आप लोगों के लिए पहले टाइम टेबल मैंने खुद सोचा आप लोगों के कॉमेंट्स देखे स्कूल टाइमिंग्स पूछे अपने कोचिंग के बच्चों से उनके स्कूल टाइमिंग पूछे और उसके बाद मैंने ऐसा टाइम टेबल बनाया फिर मैं आपको आके बता रही हूँ कि गाइज़ ऐसे होगा इस समय के शेड्यूल में जैसे गर्मियों में अलग चलेगा सर्दी में अलग चलेगा सर्दी में स्कूल के टाइम बदल जाते हैं फिर और बढ़िया पढ़ाई हो सकती है आपकी ठीक है तो इसीलिए ऐसे आप लोगों को पेपर पे लिखना है चाहे तो तीन पेपर पे, पे लिख लेना एक अपने रूम में लगा देना एक अपने ना पेरेंट्स के रूम में लगा देना उन्हें भी बताओ तुम्हारा पढ़ाई का टाइम है वो तुम्हें आके याद करा दे चलो पढ़ने चले जाओ ठीक है एक लगा देना अपने जो है स्टडी एरिया वाली जगह वाल पर एक लगाना अपने फ़ोन के वॉल पेपर पर जिसमें तुम ये रीले देख देख के स्क्रोलिंग कर करके टाइम वेस्ट करते हो ना वहाँ लगाना सीधा अपना वॉल पेपर जैसे ही फ़ोन ओपन करा तो आपको दिख रहा हो कि भाई ये मेरा पढ़ने का टाइम है तब भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके ऊपर तो अलार्म लगाने शुरू करो मैं जब नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ में थी मैं अलार्म लगाया करती थी जब जब मेरा पढ़ाई का टाइम होता था जैसे मुझे आठ बजे पढ़ने बैठना होता था तो मैं आठ बजे का एक अलार्म सेट करती थी या रिमाइंडर सेट करती थी कि एटलीस्ट अगर मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे याद आ जाए कि ये टाइम वेस्टिंग वाला टाइम नहीं है ये मेरा पढ़ने जाने का टाइम है तो अगर इस टाइम टेबल को फॉलो करना चाहते हो तो कुछ चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा तभी होगा ये ठीक है एक पेपर पे लिखना है आपको ऐसा नहीं है पेपर पे लिखने का इफेक्ट नहीं आएगा आएगा अब की बार आएगा इफेक्ट लिखने का जब आपको पूरा सामने दिख रहा होगा बार बार अपने कि सात बज गए पढ़ने का वरना क्या होता है पता ही नहीं चलता सात आठ बज गए कभी फ़ोन चला रहे कभी टी देख रहे हैं कभी किसी दोस्त से बात कर रहे हैं कभी ऐसी कुछ सोच विचार में बैठे हमें पता ही नहीं होता कि भाई ये समय पढ़ने का है और वो सारा वेस्ट हो जाता है नेक्स्ट फोन के वॉलपेपर पे लगा लेना या फिर अलार्म सेट कर दो तो, तीनों में से कोई भी एक चीज़ आप कर सकते हो और तीनों कर लो तो द तो तो बेस्ट है अब मैं फाइनली आपको बताती हूँ क्या रहेगा आपका टाइम टेबल जो लिमिटेड टाइम में आपकी बेहतरीन सेल्फ स्टडी कराएगा और आपको एक डिसिप्लिन में लेकर आएगा जो इस समय में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ठीक है तो ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहनों ऑफ नाइन्थ टू ट्वेल्थ क्लास डू फॉलो दिस टाइम टेबल आई होप ये आपकी लाइफ में एक ऐसा चेंज लेकर आएगा कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि वाओ मैं इतने अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ ठीक है तो चलो देखते हैं टाइम टेबल सबसे पहले बात रहती है हमारे स्कूल टाइमिंग की सात से दो बजे तक आप सब लोगों के स्कूल होते हैं तो भाई ये सात से दो का टाइम हो गया स्कूल का दो बजे जब आप घर आ जाओगे दो से ढाई का टाइम आपका लंच का है ठीक है लंच करना है लंच करने में ना बहुत देर मत लगाना कि हाँ भाई बहुत देर तक टी वी देख रहे हो फोन चला रहे हो तब लंच करो नहीं आपको जल्दी लंच करना और जल्दी लंच इसलिए करना ये नहीं कहूँगा भी पढ़ने बैठ जाना इस समय पढ़ाई करनी आपको जल्दी लंच कंप्लीट करके यू हैव टू टेक अ पावर पावर नैप एक एक छोटी सी आप लोगों को एक, आ, स्लीप पावर मिल जाएगी उससे क्या होगा अगर आप आधे घंटे भी सो जाओगे जैसे आप ये देखो एक्टली exactly आज इसको फॉलो करने की कोशिश करना एक हफ्ते भी अगर इसके हिसाब से आप चल लिए तो आपकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आएगा आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि अरे वाह क्या सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तो उसके लिए एक हफ्ते अगले एक हफ्ते इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है मेरे सारे भाई बहनों ने ठीक है तो लंच के बाद दो से ढाई बजे तक आपको लंच कंप्लीट कर लेना और ढाई बजे आपको सो जाना है ठीक है टेक अप पावर नैप ठीक है ढाई से तीन बजे तक का आधे घंटे का एक पावर नैप यू हैव टू टेक इस पर आधे घंटे का अलार्म सेट कर देना फ़ोन में या घर में किसी को बता देना मुझे आधे घंटे बाद आप उठा देना जो तब आप आधे घंटे बाद उठोगे ना आई एम टेलिंग यू आप इतने रिफ्रेश हो गए क्योंकि पूरा दिन स्कूल से आते हैं ना बहुत टायर्ड होते हैं ठीक है छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे ही तो आप तो भाई इतने ज़्यादा हमारे अंदर टायर्डनेस होती है फिर भागते हुए ट्यूशन जाना फिर घर आके दीदी सेल्फ स्टडी भी करनी है इतना सारा मेरा सिलेबस बचा हुआ है देर इज लॉट तो इसके लिए आधे घंटे अपने माइंड को रिलैक्स जरूर देना है ठीक है तो उसके लिए मेरे सारे भाई बहन अगर आपका थोड़ा सा शेड्यूल चेंज भी हो ना तो भी कोशिश करना आधे घंटे का पावर नैप दोपहर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है तो ये आधे घंटे का आपका पावर नैप हो गया ढाई से तीन बजे का इसमें आप एनर्जाइज हो जाओगे ठीक है फिर आपके ट्यूशन के समय शुरू हो जाएगा तीन बजे से छः बजे तक तीन से दवा चार सेवा पाँच बजे मैंने ये तीन घंटे के ट्यूशन्स के टाइम रख दिए हैं इस समय में आप ट्यूशन जाके पढ़ रहे होगे ठीक है चलो ट्यूशन वाले बच्चे तो ट्यूशन जाके पढ़ेंगे आपको ट्यूशन टीचर्स बताएंगे आप उन पढ़ रहे हो वहाँ पे तो उनको तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है जो बच्चे घर पे हैं जो ट्यूशन नहीं जाते हैं वो सुनो आपको क्या करना है अब ये तीन से छः के टाइम में ऐसा नहीं है कि तुम्हें टाइम वेस्ट करना है तुम गप्पे मारे हो किसी को फ़ोन में ला के बातें कर रहे हो या स्क्रोलिंग करने बैठ जाओगे नहीं ये तीन से छः का टाइम तुम्हारे लिए उतना ज़रूरी है तुम्हें इस समय में यूट्यूब पे जाना है अपने फेवरेट टीचर्स से चैप्टर्स को समझना है यूट्यूब पे नहीं देखते हो अगर तो आपको जो ऐप आप सब्सक्रिप्शन जो भी आपका है तो उसमें तीन से छः वाली क्लासेस से अपनी सेट करवा लो और वहाँ से तीन से छः में आपको पढ़ाई करनी है अपनी घर पर ठीक है अगर आप यूट्यूब से नहीं पढ़ते हो किसी ऐप से नहीं करते हो तो कोई बात नहीं गाइस आप अपनी एन निकाल के लाओ सिलेबस निकाल के लाओ और एन के चैप्टर रीड करो और भैया पढ़ना शुरू कर दो ठीक है नहीं मन यूट्यूब से पढ़ने का नहीं मन आपको ऑनलाइन क्लास लेने का एनसीआर बुक लेकर आओ पढ़ना शुरू कर दो एनसीआरटी बुक लाओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाओ लर्न करो उनको न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखो यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग ये तीन से चार चार से पांच पांच से छ का टाइम बहुत मस्ट है सबके लिए जो ट्यूशन में गया वो तो पढ़ ही रहे हैं जो घर पर हैं वो यूट्यूब से पढ़ो ऐप से पढ़ो सब्सक्रिप्शन से पढ़ो या फिर खुद से स्टडी करना शुरू कर दोगे ये तीन घंटे का टाइम को अपना स्टडी टाइम ही बनाओ ठीक है ये मत सोचो ये यह ये भी तो पढ़ाई ही है और दूसरी चीज जो बच्चे ट्यूशन में होंगे ट्यूशन में ध्यान से पढ़ना जब आपको मैम ट्यूशन में पढ़ा रहे होंगे ना तो ऐसा हो कि आधा सिलेबस वहीं कवर हो जाए मतलब सिलेबस मतलब है कि जो वहां पढ़ाया गया हो वो दिमाग में चिपक जाए जब मैम सर समझा रहे होते हैं तो कॉपी में लिखना शुरू करो अपने ट्यूशन बिना रजिस्टर के मत जाना बिना पेन लेकर रजिस्टर लेकर ट्यूशन में मत जाना पेन रजिस्टर लेकर जाना है और जब मैम पढ़ा रहे वो कुछ भी कह रहे हैं आपको लिखते रहना है जो इंपॉर्ट इंपॉर्टेंट आपको लगे ठीक है नोट डाउन करते रहोगे आपका सिलेबस इतनी जल्द घर आकर जब वो पढ़ोगे ना तो मुश्किल नहीं लगेगा और जल्दी जल्दी लर्न होगा आप लोगों को तो इसलिए ट्यूशन में भी ध्यान से पढ़ना है घर पर तो ध्यान से पढ़ना ही है ठीक है उसके बाद तीन से छह के बाद मैंने कहा भाई छह बजे तक आप घर आ जाना ट्यूशन के बाद भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना सीधा घर आ जाना घर आके रेस्ट करना अब भैया इस रेस्ट टाइम में फोन नहीं चलाना है टीवी देख लेना ठीक है यूट्यूब पे चलो वीडियो देख लेना फोन नहीं चलाना मतलब है भाई वो मत करना स्क्रोलिंग इससे क्या होगा आंखों में दर्द होना शुरू हो जाएगा आधे घंटे आप स्क्रोल करोगे आंखों में दर्द होगा वो एनजाइटी कहते हो ना एंगजाइटी होती है आ जाएगी वही एनजाइटी आपको और उसके बाद क्या होगा आप कहे चल यार कल पढ़ लेंगे वो जो आप लोगों को ऐसा लगता है ना देट यू आर नॉट एबल टू स्टडी मन नहीं कर रहा पढ़ने का ठीक है यार अजीब सा लग रहा है चल थोड़ी देर सो जाते हैं ठीक है चल कुछ खा खाने का मन कर रहा है फिर तो कुछ खा लेते हैं उसके बाद पढ़ने बैठेंगे फिर पूरा दिन निकल जाता है पता नहीं चलता इट्स ओनली बिकॉज कि आपने अपना जो है ये स्क्रोलिंग कर करके पूरा टेंशन स्पैन आप अपना खो चुके हो तो इसके लिए फ़ोन में आप यूट्यूब पर वीडियोज़ देख लो जो आपके फेवरेट क्रिएटर्स हैं उनकी कोई वीडियो देख ली दस पंद्रह मिनट कोई बात नहीं ठीक है आप छिन छन देख लो डोरीमोन देख लो न्यूज़ देख लो टीवी पे एनीथिंग घर वालों से बात कर लो बैठ के चाहे किसी फ्रेंड से भी चलो फोन पे बात कर लेना जैसे कि हाँ भाई कि तेरा कितना सिलेबस हो गया मत पूछना जो भी बात कर सकते हो बट नो स्क्रोलिंग तो आपको अपने आप जो सात बजेंगे तो फिर आपका फायर मूड स्टार्ट हो जाएगा अब जो है छः से सात बजे का एक घंटे का ब्रेक टाइम है इसमें कुछ अच्छा टेस्टी सा हेल्दी सा खा लेना आप चाय पीना कॉफ़ी पीना और दूध पीना वट ठीक है और आप लोग जो है खाना खाना खा के बैठना है इनमें सात बजे बैठे तो फिर भूख लगने शुरू हो जाए कुछ खा के बैठना इवनिंग स्नैक अब इसके बाद जो टाइम होगा जैसे कि आपको यहाँ टाइम टेबल में दिख ही रहा होगा मैं इस टाइम टेबल का जो स्क्रीनशॉट है वो वीडियो के एंड में अपलोड कर दूंगी पीछे क्योंकि अगर आपको बोर्ड पे अगर नहीं दिखाओ तो अब टाइम है भाई असली पढ़ाई का ठीक है अगर इस समय में पढ़ लिए तो टॉपर बन जाओगे मैं कह रही हूँ आज यहाँ पे डेट मार्क कर लो ठीक है इस समय में अगर पढ़ लिया तीन महीने बाद जो नया टाइम टेबल आएगा उसमें आपको और ज़्यादा स्टडी टाइम मिलेगा अभी इतनी ही देर पढ़ना शुरू कर दो हमारा पूरा का पूरा सिलेबस ना कंप्लीट हो जाएगा ठीक है तो अभी क्या करना है सात से नौ भाई सात से नौ मार्क कर दो अपनी लाइफ के अंदर अपने पूरे शेड्यूल के अंदर अपने पूरे घर को बता देना और मतलब पूरे घर को समझ आ जाए जाके नहीं बताना उन्हें समझ में आ जाए कि ये सात से नौ हमारा बच्चा या हमारी बच्ची पढ़ रहे हैं ये सात से नौ तुम्हें ऐसे पढ़ना है कि कोई तुम्हें डिस्टर्ब करने से पहले भी सोचे ऐसे पढ़ रहे होगे तुम और अपने दिमाग में भी खुद को ऐसे बता देना है कि ये दो घंटे उस बराबर यह है कि इमेजिन करो वो सिचुएशन कि दो घंटे बाद तुम्हारा बोर्ड का पेपर है और मैंने चार चैप्टर दिए और कहा है ये चार चैप्टर में से तुम्हारा एग्जाम लिया जाएगा पढ़ लो इनको तो वो चार चैप्टर उस दो घंटे में जिस एक लेवल के साथ आप पढ़ोगे ना उस लेवल के साथ इस दो घंटे में कोई एक चैप्टर भी पढ़ोगे ना उस ऐसे पढ़ना ये सोचना दो घंटे बाद डिनर करने नहीं जाना है दो घंटे बाद ये जो पढ़ना हूँ इसका पेपर देने जाना है तो देखना कैसे कंप्लीट होगा वो जो एग्जाम से एक रात पहले सुपर पावर लेकर आती हूँ ना कि पता नहीं कितना सिलेबस दिमाग में भर के आप जाते हो समझ में भी आ रहा होता है उस दिन उस दिन कहते हो भाई सब समझ में आ रहा है क्या चक्कर हो गया पहले तो नहीं आता था तो वो क्या होता है आपका वो सीरियसनेस माइंड में स्टार्ट हो गई होती है तो वो सीरियसनेस भाई अब लानी है आपको पूरा दिन मत लाना बस सात से नौ बजे के बीच में जो आपका पढ़ाई का समय है उस समय ऐसी सीरियसनेस से पढ़ना है ठीक है हो सके ना तो पीछे कोई आपको कोई काम कहे ना मत करना बड़ी दीदी -दी कह रही है बड़ा भैया कह रहा है पानी लिया नहीं भैया मैं नहीं ले कराऊंगा घर में कोई काम कोई कह रहा है बिल्कुल मत करना मैं सीधा कह रही हूँ आपको बस अपने पढ़ने बैठना ठीक है और पढ़ रहे हो फोन वोन नहीं चलाना है उस समय पढ़ना है तरीके से पढ़ना है भाई ठीक है और कोई डिस्टर्ब करने आना तो पीछे पूरा अपने टी शर्ट पे पे पर पेपर से लिख के चिपका लेना टेप से डोंट मेस विद मी आई एम स्टर्डिंग जो लाइन तुम्हें पसंद है मुझे परेशान मत करना मैं पढ़ रहा हूँ एनी थिंग कहो तो मैं बताऊँ तुम्हारे लिए हुडीज प्रिंट करा दूंगी और टी शर्ट्स और तुम्हें भिजवा दूंगी वो टी शर्ट पहन के पढ़ने बैठ जाना कि कोई तुम्हें डिस्टर्ब करने से पहले उस उसमें पीछे लिखा होगा डोंट मेस विद मी आई एम स्थर्डिंग भाई पढ़ रहा है परेशान मत करना ठीक है जो भी आप चाहोगे बढ़िया तरीके से इन्जॉय करते हुए आपको पढ़ना है और तुम्हें ना सोचे कोई कि भैया पढ़ रहा है इसे डिस्टर्ब नहीं करना है ऐसे आपको सात से नौ में पढ़ना है सिर्फ दो घंटे बट दो घंटे में भी ऐसे पढ़ना है कि वो जो चैप्टर है ना वो दो सौ परसेंट श्योरिटी के साथ कंप्लीट हो जाए ठीक है तो इसीलिए वो दो घंटे आपके पूरे दिन के सबसे क्रूशल दो घंटे रहेंगे उसके बाद नौ बजे डिनर टाइम है यहाँ नौ बजे से साढ़े नौ बजे तक थर्टी मिनट्स मैंने लिखे जल्दी से डिनर कंप्लीट करना वापस पढ़ने आना है हमारे को ठीक है डिनर कंप्लीट करना अपना पंद्रह बीस पंद्रह मिनट खाने खाने में लगेंगे पंद्रह मिनट वॉक कर लेना ठीक है घर में ही वॉक कर लेना पानी की बोतलें भर के रख देना फ्रिज के अंदर ठीक है और बैग पैक कर लेना अगले दिन स्कूल का और जो है वापस आके अपनी कॉपी उठा के ले आना तीन कॉपी ले आना जो पढ़नी है सारा का सारा बैग लेकर नहीं आना है अब जो ये स्टडीज़ आप इसके बाद करोगे डिनर के बाद वाली में जो सब्जेक्ट पढ़ना है बस उसी की कॉपी लेकर आनी है दो पेन लेकर आ जाना और अगर यूट्यूब से पढ़ना है तो फ़ोन और ईयरफोन और चार्जर लेकर आ जाना ये नहीं बाद में डिस्टर्ब कर रहे हो आप जाके सबको कि मेरा फ़ोन दे दो मेरा चार्जर दे दो ठीक है तो ये क्या करना है आपको पंद्रह मिनट खाना खाना है पंद्रह मिनट घर के काम करना बोतल वोतल भर के रख देना या घर में जो भी कुछ काम हो अपना अपना स्टडी टेबल ठीक करके रखना और अपना रेडी हो जाना पढ़ने के लिए साढ़े नौ से साढ़े नौ से बारह बजे तक पढ़ना है और बारह बजे सो जाना है दैट्स इट बारह बजे से छः बजे उठना सुबह सात बजे स्कूल चले जाना अगर स्कूल पास में ही है साढ़े छः उठ जाना पंद्रह मिनट में तैयार होगी स्कूल चले जाना ख़त्म बात आधा घंटा दिन में भी सोए थे शाम को भी सो सकते हो स्लीप भी मिल जाएगी और पढ़ाई हो रही है यहाँ पे आपकी बेहतरीन वाली अगर सिर्फ प्रॉपर सेल्फ स्टडी का टाइम की बात करूँ तो सात से नौ पढ़े हो और यहाँ साढ़े नौ से बारह बजे तक पढ़े हो हर बच्चे को पढ़ना है बारह बजे तक लाइट्स बंद हो जाती है घर में तो ड्राइंग रूम में जाके बैठ के पढ़ लेना थोड़ी देर बाद ठीक है साढ़े नौ से दस ग्यारह बजे तक तो जिस रूम में बैठे हो वहीं पढ़ ली दस बजे तक दस बजे सब सो जाएंगे तो कोई बात नहीं ड्राइंग रूम में जाके पढ़ लेना और पूरा आप लोगों को इस समय में भी उसी वाली सीरियसनेस से पढ़ना है कोई किसी से फ़ोन मिलाकर बात नहीं करनी कोई स्क्रोलिंग नहीं करनी अपनी पढ़ाई करनी है ये जो आप लोगों का सिलेबस जो कह रहे हो ना हुआ नहीं कम्प्लीट हुआ नहीं कम्प्लीट फिर देखती हूँ कैसे कम्प्लीट नहीं होगा जब पढ़े हुए तरीके से तो ठीक है ये है आपका मैंने क्या टेबल ये मॉन्स्टर टाइम टेबल मॉन्स्टर प्रिपरेशन कराएगा और तुम्हें बोर्ड एग्जाम का नहीं जो आपकी क्लास नाइन्थ है टेंथ है इलेवन में ट्वेल्थ में है जो भी आपकी क्लास है ना इस साल का टॉपर तुम्हें बनाएगा ठीक है तो आज से ही इसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए पेपर पे लिखो फोन में वॉलपेपर लगाओ और फॉलो करो नेक्स्ट चीज जाके मेरे चैनल को चेक कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए बहुत क्यूं? सारे कंटेंट मैं आप लोगों के लिए अपलोड करती रहती हूँ क्लास नाइन टू ट्वेल्थ तक के स्टूडेंट्स के लिए तो मैं चलती हूँ बाबा एंड बेस्ट